ड्रीम लाइफ जी रहे मैं। भाइयों के साथ एंटराज वाइब एंजॉय करते हुए। एंटराज मेरे जिंदगी का सबसे फेवरेट टीवी शो है। उस शो में दिखाया गया था कि कैसे एक बंदा अपने खुद के ड्रीम्स को हासिल करके अपने दोस्तों को अपने साथ ले जाता है और फिर दोस्तों के साथ अपने ड्रीम्स को एक्सपीरियंस करता है। खुद के सपनों को पूरे करने के साथ साथ वो अपने दोस्तों के सपनों को भी पूरा करता है, उनके बिजनेसेस खड़ा कर देता है और शो के एंड में पूरी टीम इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि टीम एक साथ पूरे हॉलीवुड को रूल करने लगती है। ये कहानी है तीन लड़कों की, 93 में पैदा हुआ रणवीर, 95 में पैदा हुआ विराज और 97 में पैदा हुआ आयुष तिवारी, जिन्होंने अपने टीनेज में एंटराज देखा और एंटराज के अलग अलग कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन उठा के ये सोचा कि यार एक दिन हम भी एंटराज वाली जिंदगी जिएंगे। हम चार बिजनेसेस चलाते हैं पर सबसे मुश्किल ये वाला है, मंक एंटरटेनमेंट। ये देखो, इट्स माय कोफाउंडर, इट्स बीन एट द सेम जॉब सिंस 4-5 इयर्स एंड मैंने यही इमेजरी देखी है 4-5 सालों से। वॉक्स आउटसाइड, ऑन कॉल्स, नेगोशिएटिंग, डूइंग सेल्स। हाउ वाज द दुबई ट्रिप? दुबई ट्रिप वाज द ड्रीम ट्रिप ऑफ आवर लाइव्स। इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई इमेजिनड एज अ किड। मैं जाऊंगा सोलो ट्रिप, बैचलर्स ट्रिप दोस्त लोग के साथ, एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे। ZNMD का सबका इंस्पिरेशन वही होता है यार। What the fuck did we just do? Our 2022 UAE trip was all about experiences. हमने अपनी बॉडी को, दिमाग को और एक्सपीरियंसेस को लिमिट तक पुश किया, पर ये सब पॉसिबल हुआ कॉलेज के 7 सालों बाद, कड़ी मेहनत के बाद, टीम केमिस्ट्री बिल्ड करने के बाद एंड मेनली आफ्टर वी कुड अफोर्ड इट। आपके लाइफ के जितने भी करियर गोल्स हैं वो इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री में हासिल हो सकते हैं, पर मीडिया इंडस्ट्री के बारे में आपको जानने चाहिए कुछ सच। स्पेसिफिकली किस तरह का मजा आता है आपको मीडिया करियर में? इतना हिलने डुलने की क्या जरूरत है। एक मजा सीन ये है कि जब तुम अपने डायरेक्शन में कुछ बना रहे हो, द थिंग इज दैट यू डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू लीड यू, सो द अनसर्टेनिटी ऑफ दैट कि यार आज मैं कुछ नया ही करने वाला हूँ ऑफिस जाके, मेरे कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं आज, कि यार मुझे पता है कि यार मुझे इस टैलेंट का करियर आगे बढ़ाना है, तो आई हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हैंड, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड इट्स फन कि यार मैं इसकी लाइफ बदल सकता हूँ, यार मैं इस ब्रांड के लिए इतना ग्रोथ ला सकता हूँ कि वो अपनी नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठा सकता है। मैं जॉन सीना को कोट करना चाहूंगा, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट। सच में, पर आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है, पर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट बेसिक फंडामेंटल्स होता है मीडिया के। द कीप वर्किंग एट इट, हसल लॉयल्टी, मतलब एक ही टीम साथ में रहो, बिकॉज द लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज टू बी गॉट थ्रू कॉम्पाउंडिंग, नॉट शिफ्टिंग जॉब्स। एंड द थर्ड वन इज रिस्पेक्ट yourself, your work, the people you're working with, the place the money is coming from. इतना कर लिया ना, आपका एक सक्सेसफुल मीडिया करियर बनेगा और आप भी दुबई में एंटराज स्टाइल व्लॉग्स बना पाओगे। ओके, जय माता दी। जब मैंने बचपन में पहली बार एंटराज देखा तब विंस से बहुत कनेक्ट फील हुआ, क्योंकि विंस ग्रुप का हीरो भी था और भाइयों का भाई भी था। विंस की खुशी उसकी भाइयों के खुशी में थी और एकदम विंस स्टाइल में मैंने सोचा कि फॉर माय बॉयज लेट्स एक्सपीरियंस अ लिमोजीन फॉर वन डे। एक्सपीरियंसेस दैट ब्रिंग यू जॉय बेबी। तो कहते हैं मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस एंड दैट्स ट्रू, बट मनी बायज यू एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन लीड यू टू हैप्पीनेस। ये शो ऑफ वाली वाइब नहीं है, ये जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, क्यों हैं आपकी वजह से और आपके लिए इन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसेस टू यू एंड नाउ लेट्स गो। वी हैव अ गुड फ्रेम, मनी बायज हैप्पीनेस डूड, मनी बायज हैप्पीनेस। कोई ना कोई फिक्शनल स्टोरी होनी चाहिए एज अ मोटिवेशन, स्पेशली जब लो फेजेस में होते हो ना, यू नीड सम रेफरेंस पॉइंट्स टू मोटिवेट यू, एक दिन वो चाहिए। तो आई फील कि 5 साल हो चुके हैं अभी मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत के बाद और अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि
वी नीड टू फाइंड न्यू स्टोरीज. तो अभी आई फील एंटराज वाली वाइब एकदम लॉक हो गई टू अ सर्टेन डिग्री. इवन सिलिकॉन वैली एक्सपीरियंसेस आर लॉक्ड इन. ये थे हमारे दो मोटिवेशंस. अब पर्सनली मेरी अगली मोटिवेशन है केविन हार्ट स्टाइल लाइफ, जहां टीम के साथ चार्टर्ड जेट में एक साथ घूमे यहाँ वहाँ. वो हो जाएगा 5 सालों के अंदर ही हो जाएगा आई नो. और फिर उस व्लॉग में ये 2022 व्लॉग की एक क्लिप होगी, मार्क माय वर्ड्स. ये है लिमो व्लॉग, चार्टर्ड जेट वाला व्लॉग आएगा. आई डोंट नो व्हेन बट डेफिनेटली आएगा. ये है भाई की प्रॉमिस. एंड मैं यही सोच रहा था कि यार वी आर सराउंडेड बाय लाइक स्टार्स. और अगर 5 साल पहले आपने हमें कहा होता ना कि हाँ 5 साल बाद आप लोग बॉलीवुड स्क्रीनिंग्स के लिए जा रहे होंगे, पार्टीज के लिए जा रहे होंगे, पेज 3 पार्टीज के लिए जा रहे होंगे, और अब बिन लगे कुछ ऐसे कुछ नहीं होगा. एंड बैक देन दैट वाज द गोल कि ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए. आज जब ये सब हो रहा है ना, वेन वी आर देयर वी आर एंजॉयिंग इट, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी सोच रहे कि यार हाँ कल ये काम करना है, इस हफ्ते में ये खत्म करना है, वो जोन रहता है. देखो पॉइंट ये है कि पार्टी और स्क्रीनिंग तो मैं देख लूंगा, बट पॉइंट ये है कि यार वो थोड़ी मुझे बिजनेस ला के देने वाले हैं, उनके वजह से थोड़ी कंपनी चलने वाली है यार. तो यार वो हैंगओवर अच्छा है थोड़ा होना कि यार वाह हम लोग ये सर्कल में है ऑल दैट, बट यू नीड टू कम बैक टू रियलिटी फास्ट कि बॉस अगर काम करना है एंड इफ यू वॉन्ट टू कीप बींग इन दैट सर्कल यू हैव टू कीप वर्किंग और एल्स यू आर ऑल वेरी रिप्लेसेबल. यार कितने बॉलीवुड एक्टर्स आए चले गए ये वो, but the fact that you know the 3 Khans still survive, the fact that Akshay Kumar still survives is pure dedication and commitment to work. आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है. अच्छा लग रहा है कि आपने इंजीनियरिंग के बाद MS नहीं किया? Oh for sure. अगर मैं MS कर रहा होता तो मैं कोई US के कोई बेकार से स्टेट में कुछ कर रहा होता अकेले, बट यहाँ मैं अपने दोस्तों और भाइयों के साथ लिमोजीन की सवारी कर रहा हूँ. Limo, dude, like this is like a vibe for you know mid 40s or something, dude. Like this is insane. This is happening at 28, right. 26, 22. Fantastic experience. Ek limousine bhaade ki hai, but usse farak nahi padta. Friends bhaade ki nahi hai na. It's the company that matters, brother. Nah, I'm a little speechless right now. Kya soch rahe ho aap? Bas jo isne bola, wohi soch raha hu. Software engineer ban gaya hota kahin pe. और सड़ रहा होता, बट आज देखो. A few moments later. शो ऑफ हो गया, शो ऑफ. ठीक है अभी चलते हैं. भाड़े की लिमोजिन को रिटर्न करना पड़ेगा. बैक टू वर्क. एक घंटा हो गया है भाई. मेट्रो की लाइन में खड़े होंगे अब टिकट के लिए. How does a day in your life look? दिन भर क्या करते हो? दिन भर जैसे आपने कहा फोन पे रहते हैं. मेरा पार्ट ऑफ द डे जाता है टैलेंट्स की प्रॉब्लम सुनना, टैलेंट्स के लिए पैसा लाना. वैसे इतना फन जो बोल रहा है रणवीर, बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली इतना फन है नहीं दोस्तों. ठीक है, वो लगता है कि यार हम पार्टीज में जाते हैं, हम दुबई जा रहे हैं. भाई हम 6 साल में पहली ऐसे इतनी बड़ी इंटरनेशनल ट्रिप जो दिल खोल के हम गए. आई हैम डेजर्ट के बीचो बीच, क्योंकि अगर आप दुबई आए हो यू नीड टू विजिट द डेजर्ट. अभी भी Sir, what do you want? Show me where the oil is. Sir, in your f***ing asshole. Well, then my asshole has a lot of money. Okay, just abhi desert mein entry hui hai hamari. Ye pre-desert wali region hai. Habibis ke saath, we are ready to celebrate. Hamari UAE trip ka ek mera favorite part tha ye. Desert safari. Jahan ek bade jeep mein baith ke, humne sand dunes par dune bashing kari. In video se aapko ye shayad pata nahi chal raha hai. पर ड्यून बैशिंग बहुत डरावनी चीज़ होती है अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो तो. ये एक्सपीरियंस डरावना भी है पर उतना ही मज़ेदार भी होता है. तो भाई लोग हम आ चुके हैं सैंड ड्यून्स में. बहुत खतरनाक राइड चल रही है बट ऐसे कैजुअली आ रहे क्योंकि हम यहाँ कोई टोयोटा की गाड़ी में ही बैठे हैं. मुझे पता नहीं था, मुझे लगा यहाँ कोई स्पेशल गाड़ी लगेगी, बट मेरे को भाई हम लोग को चेतावनी भी नहीं दी गई थी कि ये कुछ क्रेजी वाला सीन हुआ. मेरे को लगा गाड़ी चलाएंगे साइड पे से और आसपास रेत होगी, बट हम रेत के बीचों बीच यहाँ चल रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है. अरे बाप रे बाप, मम्मी भाई ऐसा लग तो रहा है कि मैं बहुत कूल बन रहा हूँ बट मेरी सही में गाल फट रही है. डेजर्ट में एक अलग तरह की शांति होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. ऑब्वियसली मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप मान लो डेजर्ट में खो जाते हो, गोबी डेजर्ट के अंदर, सहारा डेजर्ट के अंदर खो जाते हो, तो कैसी फील आएगी? क्योंकि यहाँ भी लोगों के होने के बावजूद
ऐसा लग रहा है कि हम कंप्लीटली अकेले हैं, जबकि अकेले नहीं हैं। तो अलग तरह की शांति है, पर अगर आपको डेजर्ट की एन्जॉयमेंट लेनी है तो ऐसे डेजर्ट थीम्ड कपड़े पहन लो, टोप पहन लो और फिर बक्स वाले रील्स बनाओ। लव इट, लेट्स गो। यूएई में सुंदर डेजर्ट के अलावा सुंदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी थे। कभी कभी व्लॉग्स में ज्यादा बोलना नहीं रहता है, बस देख लीजिए, आप भी फील कीजिए जो हम फील कर रहे हैं। F1 ट्रैक है भाई, F1 ट्रैक इजीली द बेस्ट होटल एक्सपीरियंस आई हैड, पर बहुत ज्यादा शांति भी फील हो रही है। जो मैं कह रहा था ना कि जहाँ भी आप देखोगे दुबई में आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त होता है, आई थिंक अबू धाबी का भी वही सीन है। इतना जबरदस्त आर्किटेक्चर है कि ओवरवेल्म्स यू। वो थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम होने लगा है कि डू आई रियली डिजर्व दिस, डू माय कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज डिजर्व ऑल दिस। आई डोंट थिंक लाइफ में इतनी ज्यादा लग्जरी देखी है यार। वन थिंग आई लाइक इज खुद की मेहनत से एक सब कमाया है। 6 साल बाद 7 साल बाद जब ऐसी लग्जरीज मिलती है ना, It is motivation. दोस्तों मुझे अभी जस्ट पता चला कि मेरी पूरी टीम रिकॉर्डिंग कर रही है मेरे बिना। That's okay. मैं रूम में हूँ, स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ, ब्लॉग्स प्लान कर रहा हूँ, and they're having fun without me. पर ये है अबू धाबी की ब्लेसिंग। मुंबई का निखिल ने मुझे एक बार ये कहा था कि व्लॉगिंग की वजह से He expanded his own limits. मुझे खुद लाइफ में व्लॉगिंग नहीं करनी थी, लेकिन एक दिन मेरी टीम ने मुझे बैठ कर मुझे ये समझाया कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और ऐसे ही एडवेंचर्स मुझे आपके साथ इन व्लॉग्स के साथ शेयर करने हैं। बोलिंग याद है, बचपन में कॉलेज में हम बोलिंग करने जाते थे, पर पूरी दुनिया अब बोलिंग के बदले ये एक्टिविटी कर रही है। इस एक्टिविटी का नाम है टॉप गोल्फ, खुद देख लीजिए। ये जगह टॉप गोल्फ, ये नई टाइप की एक बोलिंग ही होती है। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है आज। ये बेसिकली रिक्रिएशनल एक्टिविटी है दुबई में। अगर आप यहाँ भी देखोगे ना, बहुत बढ़िया तरीके से इंटीरियर्स बनाए गए हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट द इंटीरियर्स, क्योंकि मेरे लिए ये एक टीम एक्टिविटी है। टीम के साथ साथ में मिल के एन्जॉयमेंट करने जा रहे हैं, लेट्स गो। सही लग रहा है, बहुत मेहनत करते हैं मुंबई में, लाइक लिटरली टाइम नहीं होता चिल करने को, बट एक्सपीरियंसेस लाइक दिस दैट मेक अप फॉर एवरीथिंग यार। टॉप गोल्फ दिखने में बहुत आसान है, पर एक्चुअली खेलने में उतना ही मुश्किल होता है। लॉजिक बिल्कुल बोलिंग की तरह है। जो फील्ड्स में सर्कल बनाए गए हैं, आपको बस उनमें शॉट एम करना है और बॉल को मारना है। बुल जाए कि जितना पास आपके बॉल्स गिरे उतने ही ज्यादा आपके पॉइंट्स होते हैं। क्या सोच रहे हो? बहुत मजा आने वाला है, ये सोच रहे हैं। आज क्रिकेटिंग स्किल्स यहाँ यूज करेंगे, गली क्रिकेट स्किल, देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। खेलना तो किसी को नहीं आता। उफ, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, टफ है अब, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मोमेंटम में आने के लिए। चलो फाइनल शॉट बाय रणवीर। स्टैंड्स तो ऐसे ले रहे हैं जैसे कि एकदम बुलजाई पे मारेंगे, लेकिन नॉट बैड नॉट बैड। कोई बात नहीं। कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये चूहे से शॉट के लिए? जब सिक्स नहीं जाती बंदों से तो वो लोग बैट चेंज करते थे। ये सेम सिमिलर मूव अपनाया जा रहा है रणवीर अलवाजिया से। मतलब रणवीर मेरे से पूरा एक बॉल ज़्यादा मार के भी मेरे जितने पॉइंट्स पे, मतलब इतने, इससे बड़ा लूजर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है।
और इसके पहले हम लोग को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि है ना ऐसे पकड़ते बैट, बैट बोलते भी नहीं इसको पहले, इसको क्लब बोलते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू मोर देन व्हाट यू नीड डोंट बिल्ड अ हायर फेंस बट बिल्ड अ लॉन्गर टेबल। अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो मोटिवेशन बनाए रखो, मेहनत करते रहो और पैसों को संभालना सीख लो। और अगर आज आपके लाइफ में पैसे हैं तो याद रखिए, असली खुशी आपको तब फील होगी जब आप उस खुशी को अपनों के साथ शेयर करेंगे। ये था हमारा एंटराज ड्रीम कम ट्रू व्लॉग। 2010 में फेसबुक पर मैंने ये पोस्टर अपलोड किया था और 12 साल बाद भगवान ने मेरे सपने पूरे कर दिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू।